नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो बच्चे, हमें सब कुछ पढ़ो चैनल पर आज से जो हमें पढ़ना है भूगोल, आप उसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। तो बच्चे, भूगोल और ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर इसको मज़े से समझ कर पढ़ा जाए तो ये बहुत ही आसान है और आप इसको आराम से सीख सकते हैं। तो बच्चे, भूगोल में जो हमारा पहला चैप्टर है, आप सभी देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने चैप्टर का नाम लिख रखा है। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं और विकास। देख सकते हैं सभी बच्चे कि चैप्टर का नाम क्या है हमारा, संसाधन एवं विकास। तो चलिए बच्चे, अब जरा चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चे, एकदम आसान भाषा में पहले सीखते हैं। बच्चे, पर्यावरण समझते हैं आप क्या होता है? तो सभी बच्चे सिर्फ एक लाइन में याद रखिएगा, एक जीवित व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मैं अपने एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, तो एक जीवित व्यक्ति के आसपास जो भी है वही उसका पर्यावरण है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक जीवित व्यक्ति के आसपास जो भी है वो क्या है, उसका पर्यावरण है। इसका मतलब है कि पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु है। याद रखिएगा बच्चे, पर्यावरण में क्या है, प्रत्येक तरह तरह की वस्तु है। तो क्या इन वस्तुओं का हम उपयोग भी करते हैं? जरूर। तो इसका मतलब बच्चे कि हम अपने आसपास की चीज़ों का यानी पर्यावरण की वस्तुओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या उसे सीधा प्रयोग करते हैं या उसमें हम कुछ सुधार भी लाते हैं? तो जाहिर है बच्चे, हम उसमें कुछ सुधार भी लाते हैं। तो याद रखिएगा कि पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकती है। क्लियर है बच्चे? पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु हमारी आवश्यकता को क्या करती है, पूरा करती है, लेकिन हम बिना प्रौद्योगिकी के उसे ऐसा नहीं बना सकते। तो याद रखिएगा बच्चे कि पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो और उसको बनाने में हमारे पास प्रौद्योगिकी भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, तकनीकी भी हो, तो जब प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी तो हम उसे आर्थिक रूप से संभाव्य, मतलब पॉसिबल बच्चे, तो हम उसे आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य बना सकते हैं, वैलिड बना सकते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए जरा सीखते हैं कि संसाधन क्या है। तो बच्चे याद रखिएगा कि संसाधन का मतलब हो गया कि पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु, ऐसे समझिए बच्चे एकदम आसान भाषा में, पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु, ठीक है, यानी जो जो भी हमारे पास वस्तु है, और प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी कर सकती है, क्या कर सकती है, आवश्यकता को पूरी कर सकती है। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी कर सकती है और हमारे पास क्या हो, उसे सही करने की प्रौद्योगिकी हो। इसका मतलब हो गया कि पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जिससे हमारी आवश्यकता पूरी हो सकती हो और जिसके लिए हमारे पास क्या हो, प्रौद्योगिकी हो, और उस प्रौद्योगिकी से हम उस वस्तु को आर्थिक रूप से संभाव्य, संभाव्य का मतलब है संभव, आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य कर सकते हैं, यानी मान्यता मिल जाए, मान्य कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देखिए कितना आसान है संसाधन को समझना। मैं फिर से कह रहा हूं आसान भाषा में, याद रखिएगा बच्चे कि पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु, पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी कर सकती है और हम प्रौद्योगिकी के द्वारा उसे आर्थिक रूप से संभाव्य कर ले और सांस्कृतिक रूप से मान्य कर ले, हम उसे ही क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे कि पर्यावरण की वो वस्तु जिनसे हमारी आवश्यकता की पूरी पूर्ति होती है, हम उसे ही संसाधन कहते हैं। अगर सामान्य भाषा में बोलूं तो फिर से सुनिए बच्चे कि पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है और जिससे हम ऐसा बना लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु की रूपांतरण प्रक्रिया, इसका मतलब है कि जब तक वस्तु का रूप नहीं बदलेगा तब तक वो संसाधन कैसे बनेगी? तो याद रखिएगा कि वस्तु का रूपांतरण प्रक्रिया, वस्तु का रूपांतरण प्रक्रिया, क्लियर है बच्चे? तो वस्तु का रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्था, याद रखिएगा
तीन चीजों में घूमती है। किस में घूम रही है बच्चे? प्रकृति में घूम रही है। दूसरा, उसके लिए हमारे पास क्या है? प्रौद्योगिकी है। और तीसरा क्या है? संस्था है जिसमें हम इन चीजों को बनाते हैं। तो याद रखेंगे बच्चे कि वस्तु की जो रूपांतरण प्रक्रिया है वो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्था के बीच अंतर संबंध में निहित है। के बीच क्या है? अंतर संबंध में है। तभी हम क्या बना पाते हैं बच्चे? तभी हम बना पाते हैं प्रौद्योगिकी, अंतर संबंध में है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर पर्यावरण की वस्तु को आप अपने मुताबिक संसाधन बना रहे हैं, इसका मतलब है उसका रूपांतरण हो रहा है। और रूपांतरण प्रक्रिया में प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्था तीनों के बीच क्या बन जाता है? संबंध बन जाता है। और इसी संबंध से हम क्या कर देते हैं? संसाधन बना लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि मानव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति से क्रिया करते हैं। क्लियर है? इसका मतलब है कि मानव जो है, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि मानव प्रकृति से प्रौद्योगिकी द्वारा प्रक्रिया करते हैं। इसका मतलब है कि मानव जो है वो प्रौद्योगिकी के द्वारा क्या करता है? प्रक्रिया करता है। और जब वो प्रक्रिया करता है प्रौद्योगिकी के द्वारा, तभी उसे क्या प्राप्त हो जाते हैं? संसाधन प्राप्त हो जाते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो क्या हम इसे एक सिंपल ग्राफ से समझ सकते हैं? जैसे अगर मान लीजिए बच्चे कि जैसे ये तो आप समझ ही चुके हैं, तो बस इतना याद रखिएगा कि जब मानव प्रकृति से अपनी प्रौद्योगिकी के द्वारा बच्चे अंतर संबंध बनाता है, प्रक्रिया करता है, तभी उसे क्या मिलता है? संसाधन मिलता है। पूरी बात समझ में आ गई? और याद रखिएगा कि संसाधन जो है वो क्या करता है? विकास की गति को तेज करता है। इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे कि संसाधन क्या करता है? वो विकास की गति को तेज करता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास चीजें हैं तो जाहिर है कि हमारा विकास भी होगा। तो याद रखिएगा कि संसाधन से विकास गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देख सकते हैं कि इस ग्राफ से हमने कितने सहज रूप से सीखा कि संसाधन है क्या, बनेगा कैसे, और किस तरह मानव जो है प्रौद्योगिकी से क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है और संसाधन बना लेता है। और वस्तु का जो रूपांतरण है वो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के अंतर संबंध में है। क्लियर हो चुका? और इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि कोई भी संसाधन होगा वो विकास की गति को क्या करता है? तेज करता है। और याद रखिएगा, विकास किस सेंस में होता है? आर्थिक विकास में। तो हमें इस बात को याद रखना है कि संसाधन हमेशा आर्थिक विकास की गति को क्या करते हैं? तेज करते हैं, या विकास की गति को तेज करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, अब याद रखिएगा कि हम अपने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए संस्थाओं का भी निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि मनुष्य जो है अपनी आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए किसका निर्माण करता है बच्चे? संस्थाओं का। चलिए जरा इस चीज को भी हम अच्छे से सीखते हैं। पहले मैं बोर्ड मिटा दूं, आप बच्चे वीडियो को पॉज करके अच्छे से सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और बेफिक्र ही बच्चे, अच्छे से आप इसको सुनते रहें, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चीज़ें अपने आप कवर कर लेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो बच्चे मैंने अभी क्या कहा आपसे कि मानव जो है अपनी आर्थिक विकास को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है। इस बात को आपको याद रखना है बच्चे कि मानव आर्थिक विकास को तेज करने के लिए किसका निर्माण करता है? संस्थाओं का निर्माण करता है। और ये जो संस्थाएं हैं यही क्या करती हैं? आपकी मदद करती है, और संसाधन जो है वक्त से आगे बढ़ता जाता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ओके ना। अब सीखिए, संसाधन जो है मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। आपको ये भी बात याद रखना है कि संसाधन किसका परिणाम है बच्चे? मानवीय क्रियाओं का। इसे याद रखिएगा कि संसाधन जो है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। जब मानव क्रिया करता है तो उसके परिणाम से क्या बन जाता है? संसाधन। तो इसका मतलब है कि हमने ये भी सीखा कि जो संसाधन है
वो मानवीय क्रियाओं का क्या है, एक परिणाम है जो आर्थिक विकास की गति को क्या करता है बच्चे, तेज करता है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर मानव जो है संसाधन अगर मानवीय क्रिया का परिणाम है तो क्या ये कहा जाए कि मानव स्वयं पर्यावरण का प्रमुख हिस्सा है। इसका मतलब है, याद रखना है बच्चे, कि जो हम मानव हैं हम स्वयं पर्यावरण का महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि मानव स्वयं क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। तो हमने ये भी देखा बच्चे कि मानव जो प्रकृति से अंतर क्रिया करता है वो अंतर क्रिया इसलिए करता है क्योंकि मानव तो स्वयं क्या है, पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इसका मतलब है कि मानव ही क्या करते हैं कि तरह तरह के पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि मानव क्या कर देते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले तरह तरह के पदार्थों को तुरंत संसाधन में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर है बच्चे ना। चलिए, यहां तक तो हमने सीख लिया। अब हमें यह सीखना है संसाधनों के प्रकार। क्या समझना है बच्चे, संसाधनों के प्रकार। जरा देखें कि संसाधन कितने प्रकार के हैं और फिर उनसे हमें क्या फायदा है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए पहले मैं इसे मिटाऊं और आगे बढ़ते हैं बच्चे संसाधन के प्रकार, और कुछ पॉइंट्स पे हम उनको अच्छे से सीखेंगे। आप बस सुनते रहे मेरी बात को बेटा, और सब कुछ पढ़ो चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप सभी बच्चों को घर में अच्छे से मजे से पढ़ा पाऊं। और बच्चे एकदम मजे से पढ़िए, पूरी कहानी की तरह चीजों को सीखिए। क्लियर है ना। तो चलिए बेटा अब सीखते हैं संसाधनों के प्रकार। जरा देखते हैं किस किस प्रकार के संसाधन है। संसाधन के प्रकार, तो बच्चे याद रखिएगा कि संसाधन के जो प्रकार हैं उसके विभिन्न आधार हैं। पहले याद रखिएगा कि संसाधनों के प्रकार के क्या हैं बच्चे, विभिन्न आधार हैं। इसका मतलब है कि हम कुछ आधारों पर संसाधन के प्रकार को बदलेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हमें सीखना है वैसे संसाधन जो उत्पत्ति के आधार पर हैं। तो बच्चे हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, संसाधन का आधार उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो जरा सीखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से प्रकार के क्या हैं बच्चे, संसाधन है। पूरी बात समझ में आई? तो बेटा याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो पहला संसाधन है हम उसे कहते हैं जैव संसाधन। क्या कहते हैं बच्चे, जैव संसाधन। अब जरा समझते हैं कि जैव संसाधन क्या है। पूरी बात समझ में आई? तो पहले याद रखिएगा बच्चे कि संसाधन के प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर बेटा मैंने आपको पहले क्या बताया है, जैव संसाधन। बच्चे याद रखिएगा कि जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। तो हमें इस बात को याद रखना है कि जैव जो संसाधन है इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है बच्चे, जैव मंडल से। इस बात को हमें याद रखना है कि इसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। तो बच्चे हम यहां तो समझ गए कि ठीक है, चलो जो जैविक संसाधन है या जैव संसाधन है उनकी प्राप्ति कहाँ से हो रही है, जैव मंडल से। तो बच्चे जैव मंडल का मतलब क्या है, जीवन, लाइफ। इसका मतलब क्या है बच्चे कि जैव मंडल से होती है जिसमें तरह तरह के जीव रहते हैं। इसका मतलब है इसमें क्या है, सभी प्रकार के जीव व्याप्त हैं। याद रखिएगा बच्चे इसमें क्या है, सभी प्रकार के जीव हैं। याद रखिएगा बच्चे जैसे हम भी तो एक जीव हैं, तो याद रखिएगा कि हम भी जैव संसाधन में आते हैं। तो हमने देखा कि जैव संसाधन है इनकी प्राप्ति कहाँ से हो रही है बच्चे, जैव मंडल से हो रही है। और इस जैव मंडल में क्या है, सभी प्रकार के हर तरह के क्या है, जीव व्याप्त हैं। जैसे मैंने कहा था ना बच्चे, मनुष्य सभी प्रकार के जीव व्याप्त हैं। तो जरा हम कुछ एग्जाम्पल से तुरंत सीख ले बच्चे। जैसे पहला क्या बच्चे, मनुष्य। फिर बच्चे वनस्पति, वनस्पति का मतलब है सारे पेड़ पौधे। तो मनुष्य भी हो गए जैव संसाधन, वनस्पति हो गए। फिर बच्चे प्राणी जात, कोई भी प्राणी हो सभी प्राणी भी इसी मंडल में आ गए। तो प्राणी जात भी हो गए बच्चे। फिर जीवन, किसी तरह का जीवन हो वो भी इसी में आता है। उसके बाद बच्चे याद रखिएगा कि जीवन पशुधन,
याद रखिएगा कि हम पशुधन भी अपने पास रखते हैं, तो पशुधन ये सभी के सभी क्या है, जैव संसाधन है। अगर किसान के पास पशु है तो वो भी संसाधन है, किसी भी प्रकार का जीवन है तो वो संसाधन है, प्राणी जात वनस्पति हो या मनुष्य। तो सभी बच्चों को याद रखना होगा कि जैव संसाधन जैव मंडल में व्याप्त है, इसमें सभी प्रकार के जीवित जीव रहते हैं और प्रकृति ने जिसे भी जीवन दिया है, जिसे भी, वो किस में आता है बच्चे, जैव संसाधन में आता है। जैसे मनुष्य हो गए, वनस्पति हो गए, प्राणी हो गए, जीवन हो गए, पशुधन हो गए। और याद रखिएगा बच्चे, जैसे मत्स्य, क्या आप मत्स्य समझते हैं बच्चे? मत्स्य का मतलब होता है मछली, आपको पता है जल में रहती है। तो याद रखेंगे ऐसा कोई भी चीज हो वो सब सब किस में आ जाते हैं, जैव संसाधन में। पूरी बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, चलिए अब उत्पत्ति के आधार पे हम दूसरे संसाधन को जो देखते हैं, तो हमारा जो दूसरा संसाधन है वो क्या है, अजैव संसाधन। दूसरा संसाधन क्या है बच्चे? अजैव संसाधन। तो देख सकते हैं जैव में जीवन है और अजैव में जीवन नहीं होता। तो याद रखिएगा कि ये जो संसाधन है बच्चे, ये क्या होते हैं, ये निर्जीव होते हैं, इनमें कोई जीवन नहीं होता। ये क्या होते हैं बच्चे? निर्जीव होते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा कि अजैव संसाधन जो है क्या है, वो निर्जीव है, जिनमें कोई जीवन नहीं है। ठीक है, तो बच्चे अब ये आपने देखा कि ये निर्जीव होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये निर्जीव वस्तु से बने हैं। ये क्या है बच्चे? निर्जीव वस्तु से बने हैं। तो अब हमें पता करना है कि ये प्रकृति में ऐसी कौन सी चीज है जो निर्जीव है, जिससे ये संसाधन बने हैं। तो बच्चे निर्जीव में क्या होगा, आप ही जरा सोचिए। जैसे चट्टान, देखते ना बच्चे पत्थर वगैरह होते हैं जैसे, तो मान लीजिए कि जैसे क्या हो गया, जैसे चट्टान। तो याद रखिएगा चट्टान भी तो हमारे लिए संसाधन है, और प्लस खनिज, खनिज में जो बच्चे जो धातुएं होती हैं, देखते हैं धातुओं में भी जीवन नहीं होता, लेकिन धातुएं भी तो हमारे लिए संसाधन है, जैसे सोना चांदी लोहा कोयला चूना पत्थर, ये सब क्या है बच्चे? तो आपको याद रखना है कि उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के संसाधन होते हैं, पहले को मैंने क्या कहा, जैव संसाधन, और दूसरे को क्या कहा, अजैव संसाधन। इसके सारी बातें मैंने आपको समझा दी बच्चे? ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला आधार क्या था, उत्पत्ति के आधार पे। अब बच्चे जो हमारा दूसरा आधार है वो है समाप्यता के आधार पे। किसके आधार पे बच्चे? समाप्यता, समाप्यता मतलब खत्म होने के आधार पर। ठीक है, चलिए पहले मैं इसे मिटा दूं, आप वीडियो पॉज करके सारी बातें लिख सकते हैं बच्चे।